काम करते हैं, जादू से चलते हैं। चले वहां पे। चलो फिर 3, 2, 1। सुहानी क्या जादू है यार। My child is the best. Well, that is that concept. नहीं, और, मतलब, और है, मैं तो मानता हूँ। घर पे तोड़फोड़ या कुछ ऐसा कुछ किस्सा है आपके पास? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया यार, हमने कुछ नहीं किया। ये अगर जवाब दोगे तो सारे HR मुझसे नाराज हो जाएंगे। दे दो यार। क्या आप जादू में विश्वास रखते हैं? अगर नहीं तो इस एपिसोड के एंड तक आपको पूरा पूरा विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत ही जादुई होने वाली है। सो हम जाने वाले हैं सुहानी शाह के घर में। सुहानी जो कि मैजिशियन है, मेंटलिस्ट है, शी इज अ यूट्यूबर। तो चलो फिर चलते हैं। So good to see you. Same here. Hello, hello team. Welcome. नमस्ते, नमस्ते. हमारे घर में आपका स्वागत है. बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। और अंकल जी आपसे हमने बहुत बातें करनी है, आंटी जी हमने बहुत स्टोरी सुननी है, सुहानी कैसी थी बचपन में और क्या क्या शरारतें करती थी, तो ये सब हम पूछने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सुहानी एक सवाल आपसे है कि सिंस हम मैजिशियन के घर पर हैं और ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सा जादू तो यहाँ पे होने ही वाला है। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसा होगा कि जादू से ऐसे ग्लास आएंगे हमें पानी सर्व करने के लिए, जादू से चाय नहीं आ रही है? नहीं, ये सब है ना बचपन में हमें को सिखाया गया है करना। अच्छा, ये जादू आपको सिखाया गया? हाँ जी, ये जादू हमें सिखाया गया है। अच्छे बड़ों की रिस्पेक्ट करो, पानी वानी दो, ये यस इट्स बीन अ वेरी, मतलब बोलते हैं ना कि जो लोग बाहर देखते हैं उनको लगता है कि यार क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ होगी, कि बचपन तो पूरा बहुत अलग गया होगा ये, पर हमें सब नॉर्मल लगता है। लाइक हम तो लाइक आई डोंट फील एनीथिंग के डिफरेंट था, क्योंकि मैंने वही देखा, मैं और मेरा एक बड़ा भाई भी है। तो मेरे को तो लगता है ऐसी अपब्रिंगिंग होती है, यही होता है नॉर्मल सी, उसमें मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है। वैसे 6 साल की उम्र में आपने जादू करना शुरू कर दिया था, मुझे लगता है कि 6 साल की उम्र का बच्चा अगर मैं अभी देखती हूँ उसे शायद से ये भी ना वो डिसाइड कर पाए कि उसे सब्जेक्ट कौन सा बहुत अच्छा लगता है, और उस बीच आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे जादू करना बहुत अच्छा लगता है और मैं ये करूँगी। तो कैसे लाइक कैसे शुरू हुआ? या मैं ना 6 साल की थी और टीवी पे मैंने एक मैजिशियन को परफॉर्म करते हुए देखा, और जब मैंने उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा तो जैसे हर एक बच्चा बहुत एक्साइटेड हो जाता है, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो गई, पर मैं उस लेवल पे एक्साइट हुई कि मुझे इसके बाद और जादू तो देखना ही था पर मुझे अब मैजिक परफॉर्म भी करना था, मुझे मैजिशियन बनना था और वो एक्साइटमेंट लोगों को देना था। और जैसे ही मेरे मन में वो आया कि मुझे भी मैजिशियन बनना है, मैं 6 साल की थी, मैं आई थिंक पापा के पास गई थी और मैंने उनको बोला था पापा मुझे मैजिक करना है। पापा मतलब ज़्यादा के पढ़ाई कर, एंड आई मीन फादर मेरे हम सब ऐसे हम सब बहुत स्ट्रांग हेडेड है हमारी फैमिली में, तो मैं भी वापस गई, 2 बार वापस गई, 3 बार गई। मैं तब तक जाती गई जब मैं उनको कन्विंस नहीं कर लिया कि आई एम सीरियस अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग, बिकॉज घर का माहौल हमारा ऐसा था, मॉम देर हमेशा से ऐसे ही रहे कि कभी भी बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया गया। आई मीन आई से बच्चों की तरह, नॉट इन द वे कि वो प्यार और वो नहीं, आई मीन टू से कि बोलते ना कि कभी कभी हम बच्चों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो कभी नहीं हुआ। तो मैं और मेरा जो भाई है, आई थिंक हर फैमिली डिस्कशन में हमको बैठाया जाता था, भले मैं कितनी भी छोटी हूँ, डजेंट मैटर, यू गोना सिट इन अ फैमिली डिस्कशन, क्योंकि आप एक इंपॉर्टेंट मेंबर हो फैमिली के, कोई भी बात होती तो हमारी ओपिनियन ली जाती थी। अब हमारे पास कोई ओपिनियन नहीं होती थी, वी वर किड्स, पर हमको ऐसा फील करवाया जाता था कि योर थॉट्स आर इंपॉर्टेंट, यू आर एन इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जब मैं उनके पास गई भी ये बोलने कि मुझे मैजिक करना है, उन्होंने उस पर स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, वॉज नॉट बिकॉज कि हमको वो सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही थी और मैं हर दिन कुछ बोल रही थी, एंड दे वॉन्टेड मी टू टेक वॉट आई एम डूइंग सीरियसली, एंड दैट्स व्हाई जब उनको लगा कि मैं सीरियसली मैजिक करना चाहती हूँ, तब आई थिंक माई जॉब वॉज डन। बिकॉज पेरेंट्स को कन्विंस करना, मतलब अब हमको दुनिया को कन्विंस करने का काम इनका है, हमारा काम तो अब हो गया। आपको बस ये बताना है कि हमें करना क्या चाहिए, ठीक है? ओह वाओ, जैसे सबसे पहला है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हर एम्प्लॉय के लिए मुझे लगता है, कि अपने बॉस से छुट्टी मांगनी है, इसके लिए कैसे उनका माइंड रीड करें कि क्या एग्जैक्ट टाइम है, यहाँ पे यहाँ जाकर इनसे ये सवाल पूछना, तो ये कैसे करें? ओ माय गॉड, ये तो है ना, ये कोई मेंटलिस्ट वाले सवाल नहीं है, ये तो बोलते हैं ना वो बिजनेस कोच होते हैं, पता है किस टाइम पे प्रॉपर ईमेल डालना, किस टाइम पे लोगों से बात करनी, दीज आर मोर दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग मी। बट आई थिंक छुट्टी तब मांगनी चाहिए जब बॉस बहुत बिजी हो, लाइक हाँ ठीक है चलो 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 मेरा
कोई मुझे बोलता है यार सुहानी, मतलब कोई एडिटर बोल दिया यहाँ मेरे से नहीं, अच्छा ठीक है यार मत यार कल कोई बात नहीं, I'll continue my work. So I think मेरे साथ तो ऐसे ही वर्क करता है. I'll try this. I just hope my team doesn't watch this. अब उनको पता चल गया, क्रैक कर लिया उन्होंने. सुहानी कब बिजी है, सारे एम्प्लॉइज आ रहे हैं उसी टाइम पर. ऑल राइट, दूसरी सिचुएशन ये है, सिंस आपने अपने पेरेंट्स को बचपन से ही कन्विंस कर लिया कि भाई मुझे जादू करना है, अब आप मुझे ये बताओ कि घर वालों को ऐसे परमिशन मांगनी है गोवा जाने की, नहीं मिलती है परमिशन, है ना, तो इसके लिए कैसे कन्विंस करें? बैठ के बातें करो, बातें करो, टॉक टू देम, हो जाएगा, बस हो जाएगा. बातों में जो जादू है ना वो किसी चीज में नहीं है. कॉन्वर्सेशन इज मैजिक, मैं तो हमेशा यही मानती हूँ. ओके, ऐसा तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स चाहते नहीं कि आप लाइफ में खुश रहो, ऐसा तो नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप पूरे दिन कमरे में बंद रहो, बट इट जस्ट दैट उनको वो पर्सपेक्टिव देना जरूरी है, उनके पास वो पर्सपेक्टिव नहीं है. बातें करो, समझाओ, कभी कभी उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, तो वो इम्पोर्टेंट है. तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट कि एचआर जब अप्रेजल की बात कर रहा है, ठीक है, कैसे पता करे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है? ये अगर जवाब दोगे तो सारे एचआर मुझसे नाराज हो जाएंगे. दे दो यार, प्लीज दे दो. सो आई वुड लाइक टू कीप एवरीबडी हैप्पी, द एम्प्लॉयज एंड द एचआर, क्योंकि दोनों ही मेरे शो पे आते हैं. हैशटैग बिजनेस टॉक्स. ऑलराइट, हैशटैग बीइंग मैनिपुलेटिव. एक बहुत ही कहावत है कि चिड़िया है तो उड़ के दिखा, है ना. वैसे लोग बोलते हैं जादू करो तो जादू करके दिखाओ, ऐसे चलते फिरते. तो कुछ इस बीच में बहुत ही वियर्ड सी रिक्वेस्ट आती होंगी आपको, है ना, कि पता लगाओ कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, मेरे फ्यूचर में क्या है, मेरे पास्ट में क्या था. तो कोई 5 ऐसी वियर्ड चीजें आपके साथ हुई हो जब लोग बहुत ही वियर्ड सी रिक्वेस्ट लेकर आगे कि भाई ये, जब आपके दिमाग में ये आया हो कि भाई ये क्या पूछ लिया? पांची, मेरे पास तो बहुत है यार. अभी 5 बहुत है, मेरा तो इनबॉक्स भरा पड़ा है. तो मैं 12-13 साल की थी, मैं कानपुर, मेंटलिज्म भी नहीं है तो मैं मैजिक शोज करती थी, इल्यूजन वाले मेरे, तो कानपुर में शोज करी थी और कानपुर में चोरी हुई थी. तो शो के बाद लोग मुझे आके मिले पूछने के लिए कि आप जादू से बताओ चोरी किसने करी है. सो दैट्स वन. तो देखो वेरीज है, इट वेरीज फ्रॉम फन टू सीरियस, ठीक है, सब है मेरे पास. फिर एक जन का एक बार आईपैड था, उनका वो पासवर्ड घूम गया और उसके अंदर उनके बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर्स एंड वीडियोज है. तो मुझे ट्राई टू कन्विंस कर रहे हैं कि हमें याद नहीं है, बट आप बताओ कि इसका पासवर्ड क्या है, आप जितने पैसे मांगोगे हम आपको दे देंगे. सो दैट वाज अनदर वन. मेरे को तो लग गया था मेरे पास ऑल्टरनेट बिजनेस प्लान है. नहीं, मैंने नहीं किया, बिकॉज ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है. अगर आपके मन में वो थॉट नहीं है, आई कांट रिट्रीव इट. अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो मैं आपका पासवर्ड नहीं बता सकती. यू शुड नो द पासवर्ड फॉर मी टू, आप सोचोगे तो मैं बताऊंगी ना. आई ट्राई टू गेट थॉट्स आउट ऑफ योर माइंड, तो वो पॉसिबल नहीं था. टू सीरियस थिंग्स, मेरे को ईमेल आया था कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, बच्चा बराबर बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो क्या आप उसका माइंड पढ़ के बता सकते हैं कि वो क्या चाह रहा है. एक आया था कि मेरी मॉम कोमा में, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या सोच रही है. सो यस, मेरे को फ्रॉम फन के मेरे बॉयफ्रेंड का पासवर्ड बता दो टू वेरी सीरियस थिंग, मेरे को सारे रिक्वेस्ट आते हैं. जब जादू नहीं कर रहे होते हो तो क्या कर रहे होते हो, मतलब कुछ तो होता होगा ना गेट अवे. अब हर वक्त तो नहीं हम जॉब करते रहते हैं, कुछ तो होता है कि ये करेंगे इससे थोड़ा सुकून मिलेगा. और मैं तो बहुत बिजी रहती हूँ यार, मेरे को तो टाइम ही नहीं है चीजें करने का. आधे टाइम तो टाइम ही नहीं होता है. सो मतलब मेरे को एक्टिविटीज करना बहुत पसंद है, तो या तो मैं वर्कआउट करूंगी, नहीं तो फिर मेरे को या तो स्विमिंग करना है, या तो बैडमिंटन खेलना है, तो टेबल टेनिस खेलना है, तो पूल खेलना है. मुझे कुछ ना कुछ एक दिन में एक्टिविटी करनी होती है. मैं बहुत ट्रैवलिंग हमारा रहता है, सो आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट. शोज हो रहे हैं, उसके बाद या तो मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ. मैं एक सर्टिफाइड डाइवर हूँ, स्कूबा डाइवर हूँ, तो अगर मुझे कभी मौका मिल गया कि मुझे 8 दिन दिख गए मेरे कैलेंडर के, अरे 8 दिन का स्ट्रेच मुझे मिल गया तो मैं भाग जाऊंगी और मैं कहीं स्कूबा डाइव करने चाहिए. मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत शौक है, तो एनीथिंग फ्रॉम राफ्टिंग टू एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, आई रियली लाइक डूइंग दैट. पैटर्न बहुत सेट है. 12 बजे के पहले मैं हमेशा फैमिली टाइम है मेरा, सो मैं कोई भी 12 बजे के पहले मैं कोई काम नहीं लेती. नो वर्क कॉल विल बी अटेंडेड बिफोर 12 o'clock इज अ वर्क कॉल. उसके पहले तक आई एम यूजली विद यानी माई नीस फैमिली. ब्रेकफास्ट हम साथ में करती हूँ हमेशा सबके. एटलीस्ट जब तक बॉम्बे में हूँ आई थिंक 12 बजे के पहले इज ऑल माई फैमिली टाइम. 12 बजे के बाद तो आई जस्ट रश टू माई स्टूडियो. इसी इधर ही पास में मेरा स्टूडियो है जहाँ पर हम काम करते हैं, पूरी मेरी टीम वहाँ पर आती है. एंड बस फिर मैं रात को आती हूँ जब भी.
बिल्कुल। अब मैं यही आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, आप दोनों से यही सवाल कि आज से 25 साल पहले, लगभग 25 साल पहले आपने बोला होगा कि मुझे जादू करना है, लेकिन एक 6 साल का बच्चा जो है वो कुछ भी बोल सकता है। एक दिन वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, दूसरे दिन वो डॉक्टर बनना चाहता है ना। लेकिन आपने वो क्या, कैसा ट्रस्ट कैसे आपने बिठाया कि नहीं मेरा बच्चा कर सकता है जादू, एंड दैट टू ये कोई बड़ा बच्चा नहीं बोल रहे, सिर्फ 6 साल का बच्चा बोल रहा है। ये सुहानी थी, वो 3-4 साल से इसकी जो बातें होती थी वो बहुत डिफरेंट होती, मतलब मैच्योरिटी की बात होती थी। तो पहले तो मेरे को, मैं भी लगता था कैसे करते, लेकिन इसकी फिर हर बात मेरे को समझ में आने लगी। मैंने कहा ये कुछ अलग चाहती है, कुछ पूछना चाहती है, सीखना चाहती है। तो फिर मैं उसके साथ एक फ्रेंड की तरह बिहेवियर करने लगा और इसको सुनने लगा, समझने लगा और इसको रेस्पॉन्ड करने लगा। तो धीरे धीरे मेरे को लगा कि नहीं, ये बहुत, उस वक्त ही लगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उसकी बात को मैं ये जो चाहती थी मैं करता था। फिर इसने जब मैजिक के लिए भी मेरे को कहा, तो मेरे को लगा कि जब ये इतना कह रही है बार बार आके, तो फिर ये जरूर करेगी, नहीं ये जरूर करेगी, इसीलिए ये कह रही है, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस देखता था। तो मेरे को था कि ये जब कॉन्फिडेंटली बोल रही है मतलब होगा। तो फिर मैंने, तब मैंने इसके ऊपर, मैंने कहा नहीं अब ये जो चाहती है एक बार करो, और ये पूरा एक शो तैयार होके एक पूरी अलग ही जर्नी शुरू होगी। एक चीज बस मुझे पूछनी है, ये बहुत बार होता है हमारे घरों में ना कि ऐसे थोपा जाता है बच्चों के ऊपर कि तू तो बड़े होके डॉक्टर बनेगी, तूने तो इंजीनियर बनना है। तो कभी आपने ऐसा सोचा नहीं कि करते हैं थोड़ा, देखते हैं कि हमारे हिसाब से बन जाए, कभी ऐसा? वो थोपने जैसा तो बहुत कुछ था, जैसे ये कंप्यूटर वर्क कर रही थी, तो अगर मैं सोचता कि आईएएस और वो बनना है तो वो हो सकता था, लेकिन इसका ज्यादा अटेंशन मैजिक में था, क्योंकि कंप्यूटर भी कर रही थी, सब कर रही थी, लेकिन इसका ज्यादा ध्यान उस पर जा रहा था। तो मेरे को लगा कि इसका इंटरेस्ट उसमें है, तो जो इंटरेस्ट है वही कराओ, मैं उसको बोलूंगा तो ये कर तो लेगी, लेकिन इसका इंटरेस्ट उधर ज्यादा है, तो इंटरेस्ट को सपोर्ट करो, इसलिए मैंने इसको मैजिक में सपोर्ट किया। सुहानी का बचपन मुझे पता है कि काफी डिफरेंट था बाकी बच्चों से, क्योंकि जादू कर रही थी, शोज दिखा रही थी इतने हजारों लोगों के सामने, लेकिन कुछ तो शरारतें भी करते होंगे बीच बीच में, कुछ तो ऐसा यू नो घर पे तोड़फोड़ या कुछ ऐसा, कुछ किस्सा है आपके पास? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बताऊं इसका किस्सा, जैसे बताऊं, ये बहुत छोटी थी तब से ही मैच्योर थी, मेरे को क्यों लगा, ये 3 साल की होगी, इसका भाई इससे 5 साल बड़ा है, वो टेबल सीख रहा था, अपन टेबल सीखते हैं ना, तो वो टेबल सीख रहा था, तो इसको ये है कि भाई बड़ा छोटा कुछ नहीं, उसको जो आता है वो मेरे को आना चाहिए। अच्छा 3 या 4 साल की तो उसको आता है, वो टेबल सीख रहा था, तो इसको भी सीखना है, इसने मेरे को बोला पापा मेरे को बताओ ये टेबल कैसे है। मैंने कहा तू भी, तब तक मेरे को इतना सीरियसली नहीं लिया था, मैंने कहा तू भी सीख लेगी। तो फिर इसने 2-4 बार वही बोला, अच्छा मैंने कहा चल टेबल है ले, तो ये 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ये पूरा 2 का टेबल में इसको ये क्वेश्चन कर देगी 4-5, पापा ठीक है 2 1 2 पर 2 2 4 हाउ कैसे है। तो मैंने कहा पूछे, मैंने कहा चल 2 में 2 ऐड करो 4 3 2 ऐड करो 6 2 ऐड करो 8। इसने 3-4 पूछ के वो कॉन्सेप्ट इसके दिमाग में शायद इसने बिठा लिया होगा। थोड़ी देर बाद ये 10 तक के टेबल लिख के आ गई। अच्छा देन आई शॉक, मैंने कहा एक टेबल याद करने में हमको बहुत एक एक के ऊपर वो करके करना पड़ता, बहुत एक एक वीक लगता था एक टेबल याद करने में। फिर मेरे को उस वक्त ही मेरे को लग गया कि ये अलग है, अभी ये मतलब इसको अलग ढंग से ही हैंडल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो एक फैमिली से हमने मिल लिया है, और मैंने सुना है कि एक और फैमिली है जो कि आपके दिल के बहुत करीब है, एंड दैट इज कॉल्ड सुशा स्क्वाड। यस, सो वी वुड डेफिनेटली लव टू मीट सुशा स्क्वाड। लेट्स डू दैट। एक काम करते हैं, जादू से चलते हैं। चले वहां पे। चलो फिर 3 2 1। सुहानी क्या जादू है यार, अभी थोड़ी देर पहले हम आपके घर पे थे और जादू से हम यहाँ पर आ गए। इसे हम कहते हैं एडिटिंग का जादू। बता देना चाहते हैं हम बकायदा पैदल चल के आए हैं, लिफ्ट लेकर आए हैं, और अब हम आ चुके हैं वहां पर जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जादू क्रिएट होता है। जी दैट्स ट्रू। ये वही टीम है जो वीडियोज एडिट करती है, एंड बाकी हमें सुहानी बताएंगी। ये वो टीम है जो मुझे संभालती है ताकि मैं आप लोगों तक मनोरंजन पहुंचा सकूं, ताकि मैं अच्छा मैजिक क्रिएट कर पाऊं। इनफैक्ट आज फुल हाउस है, जितने भी बॉम्बे की पूरी टीम है वो सारी यहाँ पर है। वी कैन से बिग हाय एवरीबॉडी। हेलो, आई कैन सी द हैप्पी फेसेस। और अब शुरू करते हैं, कौन क्या करता है? आई मीन पूरे दिन इन लोगों ने अभी आज काम किया, बिकॉज वी हैड अ लॉन्ग शूट एंड आई एम स्टिल हैप्पी के काफी, आप जैसे देख सकते हैं काफी यंग टीम है, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि काफी हैप्पी टीम है अभी मेरे को है।
नहीं, आई बिलीव कि काफी हैप्पी टीम है, वो तो मैं भी बता सकती हूँ, बिकॉज हमारा एक बेसिक रूल है स्टूडियो पे, जैसे आप देखेंगे स्टूडियो बनाया भी ऐसा है कि जिसको जो चाहिए अवेलेबल है, लाइक यू हैव अ रिलैक्सिंग रूम, यू कैन चिल, आप जाके नीचे खेल सकते हो, क्लब हाउस में जा सकते हो, बिकॉज आई फील कि अगर आप खुश नहीं हो या आपका माइंड, हमारा काम बहुत क्रिएटिव काम है, ऐसा नहीं है कि आप मोनोटोनस है कि बिना सोचे आप वो काम कर नहीं पाओगे. दैट गाय, ये क्या करते हैं यार, वो है असली जादूगर. मतलब मैं नकली नहीं हूँ, ठीक है, बट व्हेन आई मीन असली जादूगर, तो जब आप मुझे मैजिक करते हुए देखते हैं, तो जो एक मैजिक एक्ट क्यूरेट होता है वो ऐसा, हम बहुत एक्ट करते हैं, मैं 25 साल से मैजिक कर रही हूँ, तो हर दिन नए आइडियाज लाना, एक बार आता है कि यू नीड समबडी टू ब्रेनस्टॉर्म टू वर्क विद यू. आकाश इज अ मैजिशियन हिमसेल्फ और वो एक मैजिक कंसल्टेंट भी है, तो आप जो मेरे को मैजिक करते हुए देखते हैं उसके पीछे के जो आइडिएशंस होते हैं, आकाश इज इन्वॉल्व इन दैट. एक और मैजिक कंसल्टेंट है डेविड नोबो जो कोलकाता में, एक स्टोरी राइटर है, स्टोरी टेलर है महक मिर्जा प्रभु, तो हम तीन चार की टीम है जो क्रिएटिवली बैठती है और मैजिक एक्ट्स को डिजाइन करते हैं, लिखते कि किस इमोशन के साथ हमें खेलना है इस एक्ट में, किसके साथ क्या परफॉर्म करना, अगर हमारा 2 घंटे का शो है तो किस स्टोरी लाइन पे हम वो चला रहे हैं, किधर क्या लाइट्स है, किधर क्या मैजिक एक्ट हो रहा है, तो एक टीम बैठ के काम करती है, आकाश इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टीम. ओके, सो आकाश क्विकली आप हमें कोई ट्रिक करके दिखा सकते हो? कैमरा पे. वेरी कूल. और ये हम कह सकते हैं कि पूरी टीम काफी जादुई है, 100% सबने जो है एकदम बढ़िया से जादू क्रिएट किया है. दैट इज व्हाई वी ऑल लव वॉचिंग योर वीडियोस. सो एक जोरदार ताली हो जाए सुशा स्क्वाड के लिए. सो थैंक यू सो मच सुहानी हमें स्क्वाड से मिलाने के लिए, और मुझे लगता है कि अब टाइम हो गया वापस चलने का. चलिए चलो करो वो जादू फिर से. 1, 2, 3 Okay. क्या बात है, जादू आज मैंने साक्षात अपनी आंखों से होता हुआ देखा है. ये टास्क नहीं दे रही हूँ, लेकिन आई रियली वॉन्ट कि आप मेरा माइंड रीड करके दिखाएं. ओके, तो अभी हम काफी बचपन की बातें कर रहे थे, ठीक है, और अगर बचपन के, तो थोड़ा आपके बचपन की बात है, लेट्स जस्ट कीप इट इंटीग्रेटेड. अगर मैं आपको बोलूँ टू थिंक अबाउट एनी ऑफ योर चाइल्डहुड फ्रेंड जिनका नाम इधर किसी को नहीं पता, ठीक है, आपके टीम में किसी को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको लगे कि किसी ने मुझे बताया होगा, बट जस्ट एनी फ्रेंड्स नेम इन योर माइंड, बताइएगा मत, अपने मन में सोचिए, यू हैव अ पर्सन्स नेम इन योर माइंड. अब इस जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम अपने मन में लाइए. किसी तरह मुमकिन होगा निकिता के मुझे पता हो कि आप किसके बारे में सोच रहे हो? नहीं, नहीं पता, आपने मुझे नहीं बताया, ठीक है, और किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि मुझे ये नाम पता हो, मतलब आपके सोशल मीडिया पे नहीं है, आपने कहीं लिखा है? नहीं. नहीं. क्या आप इस व्यक्ति के टच में हैं? नहीं. नहीं. तो यार इस बार ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद हीना से थोड़ी बातें कर लेना. फोन लगा लो यार उसको, अच्छी दोस्त है आपकी. गूज बम्स हो गए. कैसे कैसे किया? आई नो यू गेट अ लॉट ऑफ दिस रिएक्शन फ्रॉम पीपल, लेकिन जादू जादू ये पहली बार ऐसा हुआ है. ये इंटरव्यू का वो मोमेंट है जहाँ निकिता की बोलती बंद हुई है. नहीं, काफी काफी बार हुई है मेरी बोलती. अच्छा, okay. जब अंकल बोल रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे, तो काफी बार बोलती बंद हुई है. तो मैंने जो डैड है ना, वो बोलते हैं जो डैड्स होते हैं जिनको अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा से गर्व है कि मेरा बच्चा है, डैड वो है, मतलब यू नो जब माय चाइल्ड इज द बेस्ट, फॉर दैट इज दैट कांसेप्ट. नहीं, और मतलब और है, मैं तो मानता हूं क्योंकि ये जिस फील्ड में है उसमें दी बेस्ट है ये. मतलब हम जब पार्टीज में भी होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है पापा बस मेरा टॉपिक ना शुरू कर दे, बिकॉज़ कोई खत्म नहीं कर पाएगा मेरे उस टॉपिक को. तो इट इज जस्ट दैट डैड बोलते हैं मैं मम्मी भैया हम बस बैठ जाते हैं, आप बस इट्स योर शो नाउ, आप शुरू हो जाओ. सो इट्स जस्ट दैट. बट यस, ब्रूड इंडिया ने यहाँ पर आए, आपने मेरी फैमिली का इंटरव्यू लिया. आई मीन यूजली मेरे बारे में तो सब लेते ही है, बट इट्स सो ग्लैड कि आपने ये सोचा कि हम फैमिली से बात करें, एंड आई थिंक दैट इज वेरी थॉटफुल, एंड आई फील कि आई एम ब्लेस्ड कि इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है, एंड आई होप कि आप लोग भी अपनी फैमिली को और प्यार करें, उनको और समझें, एंड अपने जीवन में आप लोग भी आगे बढ़े और कामयाब होए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुश रहे. सो थैंक यू सो मच रानी हमें अपने घर पे इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, और जल्द ही हम मिलेंगे एक और एपिसोड में, गपशप होंगी बहुत ज़्यादा, और थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस.